भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने के लिए एक शर्त रखी है। उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान से तब तक बातचीत शुरू नहीं करेगा जब तक वो आतंक का साथ नहीं छोड़ देता। जयशंकर ने यह बयान जर्मनी की विदेश मंत्री अन्ना लेना बेयरबॉक से बातचीत के दौरान दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी की विदेश मंत्री का आज नई दिल्ली में स्वागत किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान को लेकर मैंने अन्ना लेना बेयरबॉक से बातचीत की है। मैंने सीमा पार के आतंक को लेकर उन्हें भारत की चिंताएं बताई है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम पाकिस्तान में आतंक के रहने तक की बात नहीं कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि जर्मनी की विदेश मंत्री ने इस मामले को लेकर भारत की स्थिति को समझा है। एस जयशंकर और जर्मनी की विदेश मंत्री के बीच न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूक्रेन जंग, अफगानिस्तान, ईरान और सीरिया को लेकर भी चर्चाएं हुई है, जिसे भारत की तरफ से काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। विदेश मंत्री अन्ना लेना बेयरबॉक से बातचीत के दौरान भारत ने रूस को लेकर अपना स्टैंड फिर से स्पष्ट किया है। जयशंकर ने यह भी कहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए रूस के साथ इकोनॉमिक रिश्ते बरकरार रखेगा। रूस से व्यापारिक संबंधों को लेकर उन्होंने पश्चिमी देशों पर दोहरा रवैया रखने पर फिर से आरोप लगाया है। जयशंकर ने दावा किया है कि यूरोपियन यूनियन लगातार रूसी तेल और एनर्जी खरीद रहा है, जबकि भारत को ऐसा न करने के लिए लेक्चर दे रहा है। तो दोस्तों, आप यूरोपियन यूनियन पर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।